हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन इन एंटीना. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वी सी द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन एंड द रिमेनिंग वन वी सी इन अ टुडे लेक्चर्स. ओके, सो सी द फर्स्ट, इट इज द एंटीना रेजिस्टेंस. ओके, सो एंटीना रेजिस्टेंस हैज अ टू कंपोनेंट, दैट इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू द एक्चुअल लॉस इन एंटीना. ओके, सो फर्स्ट वी सी द रेडिएशन रेजिस्टेंस. द रेडिएशन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय गिवन एंटीना टू द स्क्वेयर ऑफ करंट एट द इनपुट ऑफ एंटीना. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट. फॉर्मूला में क्या है, द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना. न्यूमिनेटर में क्या है, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज द स्क्वेयर ऑफ करंट एट द इनपुट ऑफ द एंटीना. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. एंड व्हाट इज फॉर पी टी, पी टी इज द रेडिएटेड पावर बाय द एंटीना एंड करंट, दैट इज आई, करंट एट द फीड पॉइंट. ओके, दिस इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडिएशन रेजिस्टेंस. ओके, सो सी द नेक्स्ट टर्म, इट इज द एंटीना एफिशिएंसी. देन सो सी द, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंटीना एफिशिएंसी. टी आर आर, इट इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस, ऑलरेडी सी इन प्रीवियस. ओके, एंड दिस, दैट इज आर डी, is the loss resistance. Okay, so see, it is the ratio of radiation resistance to the total antenna resistance. Okay, formula ke upar se aapko definition banani hai. What is the antenna efficiency? That is the ratio of radiation resistance to the total antenna resistance. Okay, so see the next, that is the polarization. What is polarization? It is defined as the direction of a electric vector or a signal in a electromagnetic wave radiated from the antenna. Okay, polarization kya hota hai, wo ek direction hoti hai electric vector or signal ki, jo ki kahan pe hoti hai, jo ki antenna kya karta hai, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, रेडिएट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द पोलराइजेशन. ओके, सो दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज एंटीना एफिशिएंसी एंड पोलराइजेशन. देन सी द नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन, इट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ एंटीना. ओके, सो सी द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ एंटीना. फर्स्ट, इट इज़, it is defined as the angular separation between the two half power point on the power density radiation pattern. Okay, क्या होता है bandwidth of antenna, ये angular separation होता है दो power point के बीच में का, जो कि क्या होता है, जो भी रेडिएशन पैटर्न है पावर डेंसिटी का, उसमें जो दो पॉइंट्स होते हैं पावर पॉइंट के, उसका एंगुलर सेपरेशन जो है दोनों का, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ एंटीना. ओके, यहाँ पे शो भी किया है, देखो ये क्या रहता है आपका, दैट इज़ द बैंडविड्थ. ओके, ये क्या है, अभी ये रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन पैटर्न है ये आपका. ओके, और ये यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द बैंडविड्थ. ओके, और दिया है देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू 3 dB डाउन पॉइंट्स ऑन द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन पैटर्न ऑफ एंटीना. ओके, वो सेम ही है जो अभी मैंने बताया. ओके, ये जो दो पावर पॉइंट्स है, ओके, या फिर ये कंसिडर कर सकते हो, ये जो दो पावर पॉइंट्स है आपके, उन दोनों में का जो क्या है, सेपरेशन है. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर डेंसिटी रेडिएशन पैटर्न जो है, उन दोनों को क्या बोलेंगे, दैट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ एन एंटीना. ओके, और बैंडविड्थ किस में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, इट इज़ इन डिग्रीज.
ओके. सो सी द नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द पावर डेंसिटी. देन व्हाट इज द पावर डेंसिटी? द पावर डेंसिटी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉज द एनर्जी टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी एनर्जी होती है अपनी वो फ्लो करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, वो भी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में. ओके, प्रोपोगेशन. ओके, सो सी नेक्स्ट, द पावर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द एनर्जी पासिस थ्रू गिवन सरफेस एरिया इन द फ्री स्पेस. ओके, पावर डेंसिटी क्या होता है? जो भी हम लोग एनर्जी पास करते हैं उसका जो रेट है वो एरिया सरफेस एरिया में, वो फ्री स्पेस में जो पास होती है, ओके, उस वो रेट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द पावर डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट, पर यूनिट एरिया. ओके, नेक्स्ट है फील्ड इंटेंसिटी. अब फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फील्ड इंटेंसिटी is defined as the intensity of electric and magnetic fields of electromagnetic wave propagating in a free space. Okay, जो field intensity है वो क्या होती है? Electric और magnetic field की intensity होती है, जो कि क्या होगा, electromagnetic wave क्या करेगी, propagate करेगी free space में. Okay, so see, the electric field intensity is given in volts per meters. Means electric field intensity का unit क्या है? Volts per meter है. ये unit भी आपको कभी कभी competitive exam में भी पूछते हैं, field intensity का unit क्या है, या फिर power density का unit क्या है. यहाँ पे power density का unit क्या है? Measure in watts per square meter. Okay. और field intensity का क्या है? Volts per meter. ये ध्यान में रखना चाहिए आपको. नेक्स्ट देखो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन एम्पियर टर्न्स पर मीटर. ओके, इसका भी यूनिट आपको ध्यान में रखना होगा. मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? एम्पियर टर्न्स पर मीटर. पावर डेंसिटी का है वाट्स पर स्क्वायर मीटर. और फील्ड इंटेंसिटी का है वोल्ट्स पर मीटर. ओके, सो सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट in a space may also be defined as the amount of voltage induced in a wire antenna of 1 meter long located at that point. Okay, field intensity जो है आपको क्या है, आपको अगर एक पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी स्पेस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वायर एंटीना पे ऑफ 1 meter लॉन्ग लोकेटेड एट द पॉइंट. ओके, सो उस पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. ओके, पावर डेंसिटी कैसे एक्सप्रेस होगा मैथमेटिकली? द फर्स्ट इट इज़ द फॉर्मूला पी इज इक्वल्स टू ई इंटू एच, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो सी, पी इज द पावर डेंसिटी, अगेन यूनिट इज दैट वैट पर मीटर स्क्वेयर. एंड ई इज द आर एम एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होल पर मीटर. एंड एच इज द आर एम एस मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एम्पियर टर्न्स पर मीटर. ओके, इन दिस वे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.